हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आइए आज हम बनाएंगे अपने घर में मैंगो जूस। तो मैंगो जूस बनाने के लिए मैं यहाँ पर दो मैंगो ली थी, जिसके मैंने छिलके बिल्कुल अच्छे से हटा करके और इसकी गुद्दी को मैं यहाँ एक बाउल में निकाल ली हूँ। तो आइए अब हम मैंगो जूस बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ली हूँ, जिसमें मैं सारे मैंगो को इसमें डाल दूँगी और इसे ग्राइंड करूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर सारे मैंगो को इस ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ। अब मैं इसे इसमें डालूँगी चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पर 4 स्पून डालूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जैसा भी मीठा पसंद हो। हमारा आम बिल्कुल मीठा था, बिल्कुल पका हुआ था, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालूंगी। तो मैं यहाँ पर 4 स्पून चीनी डाल दी हूँ। अब मैं इसी के साथ यहाँ पर डालूंगी, मैं डालूंगी इसमें 1/2 स्पून नमक, जिससे कि हमारा स्वाद बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं यहाँ पर 1/2 स्पून नमक डाल दी हूँ, मेरा स्वाद इसे बिल्कुल अच्छा होगा। अब मैं इसी के साथ यहाँ पर डालूंगी, मैं यहाँ पर 1/2 लेमन ली हूँ, इसका मैं रस इसमें निचोड़ दूंगी, जिससे कि हमारा टेस्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लेमन का रस इसमें निचोड़ दी हूँ। चलिए अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो मैं इसका ढक्कन बंद कर दी हूँ, अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो देखिए, मैं इसे एक बार ग्राइंड कर ली हूँ, पर अभी भी हमें इसमें लम्स दिख रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ पर डालूंगी इसमें 1 ग्लास चिल्ड वाटर और मैं इसे फिर से ग्राइंड करूंगी। देखिए, मैं यहाँ पर वाटर को डाल दी हूँ। अब मैं इसे ढक्कन लगा करके वापस से एक बार फिर से ग्राइंड करूंगी। तो मैं इसे ढक्कन बंद कर दी हूँ। तो चलिए हम फिर से ग्राइंड करते हैं। तो देखिए, हमारा आम का जूस बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। कितना अच्छा, कितना परफेक्ट हमारा जूस बन करके रेडी हुआ है। तो देखिए, बिल्कुल पोषण से भरा, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी हमारा जूस बन करके रेडी हो गया है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर में एक बार बना करके ज़रूर से ट्राई करें। थैंक यू, बाय बाय।